वैसे आपको बताऊं, यहाँ से आपको आगरा, मथुरा, वृंदावन, देखो कितनी बसें लगी हुई हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो इधर की साइड जयपुर की बसें लगी हुई है। जयपुर तक का रोडवेज का किराया जो है वो है हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसवी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर, और पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ बिकॉज इस बार थोड़ी वीडियो लेट आई है, बिकॉज आप सबको पता ही है कि दिल्ली में अभी क्या हाल चल रहे हैं। तो कोई थोड़ा इन्फेक्शन था, मुझे भी हो गया था, कोल्ड हो गया था, फीवर हो गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो क्या है, वीडियो है आज मैं आया हूँ सराय काले खां। सराय काले खां मतलब आप सबको दिखाने की यहाँ से कौन कौन सी बसें आपको मिलती है और यहाँ से चलती है। तो अभी मैं जो सराय काले खां जो अभी मैं हूँ, अभी सराय काले खां के जो फ्लाईओवर है ना वहाँ से नीचे हूँ। तो इधर की साइड आपको अंदर की साइड ISPT मिलता है। तो जो ISPT से बसें आके ना इधर की साइड खड़ी होती है, आप सबको देख रहे होंगे आप, तो यहाँ पर बसें खड़ी हुई है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको साइड है, इधर आप देख रहे होंगे इधर की साइड वो है ISPT। तो इधर से बसें आती है और यहाँ से घूम के इधर की साइड देखिए आप बसें खड़ी हुई है, आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको मतलब खड़ी हुई बसें मिल जाती है। और चलिए अभी एक बार ISPT में भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी बसें मिलती है। जैसे ये देखिए इधर जाके अभी इधर खड़ी हो जाएगी बसें। मतलब अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते ISPT के तो आपको बाहर से भी बसें मिल जाती है। तो चलिए एक बार ISPT भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी बसें आपको मिलती है। सामने जाओगे सामने आपको जैसे इधर की साइड ये फ्लाईओवर के नीचे यू टर्न लेती है बस, और सामने आपको सराय काले खां ISPT मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा आपको बताऊँ, यहाँ से आपको आगरा, मथुरा, वृंदावन, पलवल और ये जयपुर की भी बसें मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हो सामने से बस आ रही है, सारी फ्लाई मतलब ISPT से आ रही है, दिल्ली की भी निकलती है यहाँ से और बाहर की ज़्यादा, जैसे जयपुर हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, इस टाइप। ये देखिए ये अलवर की है। एक बात और बताऊं, यहाँ से आपको जो बसें मिलती है वो मिलती है रोडवेज की, तो वोल्वो कम है, रोडवेज ज़्यादा है। देखिए बस जा रही है आगरा और ये वहीं पर ही फ्लाईओवर के नीचे लग जाएगी और वहाँ पे भरती है जाके, और सामने आप देख रहे हो मतलब अपोजिट साइड से इधर जाती है आगरा, मथुरा, वृंदावन के लिए। तो चलिए चलते हैं अब ISPT के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से कौन कौन सी बसें चलती है और कैसा है ISPT। चलिए आ चुका हूँ मैं सराय काले खां ISPT, आप पीछे देख रहे हो वो गेट है, और अभी बताता हूँ मैं यहाँ से कि कौन कौन सी बसें आपको मिलती है। ये खड़ी हुई है जयपुर जाने के लिए, और ये अलवर, और ये रहा सामने आप एंट्री देख सकते हो सराय काले खां की। आ चुका हूँ मैं सराय काले खां ISPT में और यहाँ पे काफ़ी बसें लगी हुई हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कितनी बसें लगी हुई हैं यहाँ पे, चारों तरफ बस ही बस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बसें ज़्यादा लगी हुई हैं, आप देख लो चारों तरफ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। और आप देख सकते हो इधर की साइड जयपुर की बसें लगी हुई है, और ये एक स्टॉल है, स्टॉल भी यहाँ पे कम ही है। जी दिखा दिया मैंने आपको सराय काले खां ISPT, और वहाँ से आपको बता भी दिया है कि क्या नाम है आपको, मथुरा, वृंदावन और आगरा, पलवल, इधर की बसें आपको मिलती है ज़्यादातर। और जो जयपुर दिल्ली से जयपुर तक का रोडवेज का किराया जो है वो है 287। तो और उस टाइम जब मैं शूट कर रहा था तो मतलब जिससे मैं शूट करता हूँ तो उसकी बैटरी बिल्कुल ही लो हो गई थी, तो इसलिए अब मैं आपको अगले दिन वीडियो की एंड कर रहा हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। कमेंट्स क्यों करना, अगर कुछ पूछना है या फिर कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।